डर स्टूडेंट्स असलकुम इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज पिचटरी ग्लैंड के बारे में पिचटरी ग्लैंड क्या होता है उसके सिक्रेशन क्या क्या होते हैं और इसके कितने पार्ट्स हैं सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर प्रिशियस टाइम सो आई विल मैंशन हियर दिचटरी ग्लैंड पिचविटरी ग्लैंड इसका एक और नाम है बेटा ग्लैंड आल्सो कॉल्ड द हाइपोफाइसिस 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 के नाम से भी इसको हम जानते हैं तो फिस्टरी ग्लैंड क्या है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये समॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है और ये जो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पहले मैं बताऊंगा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालता है और उस वाले सिक्रीशन का नाम है हार्मोन याद रखना सो so, मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है हार्मोन सो so, हार्मोन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हार्मोन के बारे में तीन चीज़ें हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है केमिकल मैसेंजर और हार्मोन जो है वो स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है और ये जो हार्मोन है वो है नॉन ये यह नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर ये तीन खसूसियात है हार्मोन के अब हम सीधे ही जाएंगे पिस्टरी ग्लैंड की ओर सो so, पिचटरी ग्लैंड क्या है पिचटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है इट इज पियर शेप्ड और पी पड स्ट्रक्चर एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजन एक्टोडर्मल इन ऑरिजन का मतलब होता है जैसे हम हमारी बॉडी जो है तीन डरम लियर उसके बनी हुए एक्टोडर्म मीज ओडर्म एंड एंडोडर्म मगर पिचुटरी ग्लैंड का ऑरिजन जो है वो दैट इज द एक्टोडर्म याद रखना बेटा और उसके बाद में अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे इट इज फाउंड इन ए कैविटी फाउंड इन ए कैटी कैविटी कॉल्ड इसका इस कैिटी का नाम है सिला टर्सिका सिलाटर्सिका एक कैविटी होती है हमारे ब्रेन में वहाँ पे एक बोन होती है यानि कि दे आर आर एट बोन इन दैकल तो उसमें एक बोन है दैट इज कॉल्ड सिफेनाइड बोन और इस सिफेनाइड बोन में एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड से इट इज फाउंड इन ए कैिटी कॉल्ड दीला टर्सिका विच इज विच इज फाउंड इन सिफिनॉइड बोन ऑफ स्कल आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट सिफिनॉयड बोन एक है स्कल की उसमें एकविटी है दैट इज कॉल्ड से उसमें इसकी लोकेशन है और याद रखना इट इज कनेक्टेड कनेक्टेड विद पिस्टरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस बाय अ स्टॉक एक स्टॉक के जरिए कनेक्टेड होता है हाइपोथैलमस से पिस्टरी ग्लैंड कॉल्ड इनफांडिब्यूलम इन फॉन्डिब्यूलम याद रखना बेटा तो ये कुछ पॉइंट्स थे पिचटरी ग्लैंड के बारे में तो अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा पिचटरी ग्लैंड का और उसके बाद में डिस्कस करूंगा पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर हेयर पिचटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं एंटीरियर पिचटरी एंड पोस्टीरियर पिचटेरी और छोटा सा लोब होता है इंटरमीडिएट लोब जो कि एंटीरियर पिचटे के साथ जुड़ा हुआ है वो मैं समझाऊंगा अभी <coughs> तो यहां करूँगा पहले ये बीच वाला पोर्शन जो है दैट द इंटरमीडिएट पिचटरी और ये वाला है एंटीरियर पिचटेरी एंटीरियर पिचटरी का कनेक्शन के साथ होता है बाई मीन ऑफल पोर्टल सिस्टम दैट मीन्स हाइपोथैलमस वो पार्ट होता है हमारे पिछड़ी गिलैंड के ऊपर से ब्रेन का पार्ट जो जहां पर न्यूरोसिकेटरी सेल्स होता है मैं यहां पर मैंशन करूंगा दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलमस हाइपो थैलमस हाइपोथैलमस क्या है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट मीन्स ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन जो कि पिचटरी ग्लैंड से आते हैं वो मैं लिखूंगा यहां पे इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ठीक है बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलमस जो है वो दो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है एक होती है सिटमिलेटरी सिटमिलेटरी और दूसरी सिक्रेशन होते हैं इनहिबिटरी एक होते हैं स्टूमलेटरी एक होते हैं इनहिबिटरी यानी कि ये एंटीरियर पिचटरी को बोलता है कि आपने सिक्रेशन डालनी है या नहीं डालनी है सो इट दिस इज डायरेक्टली एंटीरियर पिचटरी इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द हाइपोथैलमस पॉइंट नंबर सेकेंड या तो ये कहता है उसको सिक्रेशन डालना है या तो कहता है इसको स्टॉप करना है सो so, एंटीरियर पिचटरी और पोस्टीरियर पिचटेरी यहां पर मेंशन मैंशन करूंगा दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिचटेरी और इसका नाम है पोस्टीरियर पिचटेरी एंटीरियर पिचटेरी और पोस्टीरियर पिचटेरी में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं समझाऊंगा अभी एंटीरियर पिचटेरी कॉन्स्टिट्यूट करता है सेवेंटी फाइव परसेंट वॉल्यूम पिचटे ग्लैंड का और ये कॉन्स्यूट करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट ये याद रखना अभी मैं हैपोथेलिस के बारे में बात कर रहा था इसको बोलते हैं मास्टर मास्टर ग्लैंड तो इसमें सेल्स जो पाए जाते, है, तो जाते हैं दे आर कॉल्ड द न्यूरोटरी सेल्स एलमेंशन विद द हेल्प ऑफ अनदर मार्कर तो यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बेटा ठीक है ओके okay. <coughs> उसके बाद में कुछ सेल्स इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में जो है वो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम को एक्टिवेट यानी कि हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के जरिए एंटीरियर पिक्चिटेरी को एक्टिवेट करते हैं और कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन्स को डालता है पोस्टीरियर पिचटरी ग्लैंड तो मैंने यहां पे मेंशन किया है आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट लंबे लंबे चौडे चौड़े-चौड़े सेल्स हैं सो दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोटरी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं न्यूरो सेक्यूटरी सेल्स बेटा न्यूरो हारमोन्स न्यूरो हारमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय दी सेल्स इसको मैं क्लाउड में रखूँगा सो न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ न्यूरो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और अब हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम में शो करने की कोशिश करूँगा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है यहाँ के सिक्रीशन्स जो है वो वेंस के ज़रिए चली जाती हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ दिचटरी ग्लैंड की ओर और वहाँ पे एंटीरियर पिचटरी के सेल्स को एक्टिवेट करके कहता है कि आप अपनी सिक्रीशंस सिंथेसाइज़ uh, करिएगा और उसके बाद डालिएगा ब्लड स्ट्रीम में तो ये है हमारा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम आई विल मेंशन हियर क्लियर हुई बात बेटा तो इसका नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपो फाइजियल पोर्टल सिस्टम फिर से मैं समझाऊं यहाँ की सिक्रीशन्स वेदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इनहिबिटरी या स्टूमलेटरी सिक्रेशन्स इन वेन्स ब्लड कैपिलरी में चली जाते हैं तब जाके इस रूट के थ्रू चली जाती है इसमें और यहाँ पे सेल्स को स्ट्यूमलेट करता है यहाँ से यहाँ पे एंटीरियर पिचटेरियम में बहुत अकसाम के सेल्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रेशन जो है वो डालते हैं ब्लड सिट्री में तभी जाके हम पिचटरी ग्लैंड को यहां पे बोल सकते हैं पिचटरी ग्लैंड इज कंसिडर टू बी एज द मास्टर ग्लैंड मैं यहां पे लिखूंगा इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड का मतलब यह है दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी ये याद रखना इस मास्टर ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है दैट हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मुझे लगता है ये समझ में आ गया है तो उसके बाद यहां पे मैं मेंशन करूंगा नाम एंटीरियर पिचुटेरियर और पोस्टीरियर पिचुटे एंटीरियर पिचुटेरिय के जो सिक्रीशन आते हैं वो वेजिकल्स की शक्ल में आते हैं और स्टोर रहते हैं पोस्टीरियर एंड ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पोस्टीरियर एंड होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का पोस्टीरियर पिचटरी में तो इसीलिए हम कह सकते हैं एंटीरियर पिचटेरी अपने सिक्रीशन खुद सिंथसाइज करता है पोस्टीरियर पिचटेरी सिर्फ स्टोर रखता है सिक्रीशनस जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल से आते हैं क्लियर हुई बात तो यहां पर पोस्टीरियर पिचटरी को पहले मैं मैंशन करूंगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस क्लियर अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये दो हारमोनस को स्टोर रखता है नाम बताएंगे उन हारमोनस का एक हारमोन है ए डी एच एंटी डाई यूरिटिक हार्मोन एंटी डायोरिटिक हारमोन याद रखना बेटा एंटी डायोरिटिक हारमोन क्या है एंटी डायोरेटिक हारमोन वो हार्मोन होता है जो वाटर रेऑब्जॉर्बेशन मैक्सिमम करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट रेअब्जॉर्बेशन मैक्सिमम करता है बाय दे बाय दे रिनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स के जरिए वाटर एब्जॉर्बशन ज्यादा करवाता है सो इट दिस ए डी एच इज ऑल्सो कॉल्ड ए डी एच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरिटिक हारमोन डायूरिटिक हारमोन बेटा एंटी डायरेटिक हारमोन क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि ये यूरिन में वाटर वाटर की कंसेंट्रेशन को कम रखता है यानी कि वाटर ज्यादातर रेब्जॉर्ब होता है ए की कमी से एक प्रॉब्लम होती है अगर ये कम निकलेगा तो इससे डायबिटीज इन होता है मैं लिखूंगा यहां पे डायबिटीज इन सी पिडस तो ये याद रखना अब दूसरा हार्मोन जो इससे निकलता है पोस्टर पिजटेरी जो सीटोर करता है तब जाके निकलता है वहां से रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शंस में मेंशन करूंगा इट इज आल्सो कॉल्ड पिटोसिन पी आई टी ओ सी आई एन पिटोसिन फंक्शन दो मैं मेंशन करूंगा इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन मिल्क इजेक्शन ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहलाता है क्योंकि जब मां बच्चे को जन्म देती है तब जाके जो बच्चा सकलिंग करता है तब जाके ये ऑक्सीटोसिन मदद करता है तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं इसको और ये क्या करता है ये आ, इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन भी यानी कि ये इजिली बर्थ करवाता है यानी कि डायलेशन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स दैट इज एनफ सो फार एज ए पोस्ट पिस्टरी इज कंसर्न आप एंटीरियर पिस्टरी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे मैं मैंशन करूंगा एंटीरियर पिचुटरी एंटीरियर पिचुटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस एडिनोहाइपोफाइसिस मैंने लिखा कितना का अनुसूट करता है हमारे पिचुटरी गिल्ड का ट्वेंट सेवेंटी फाइव परसेंट और एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये फर्दर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक का नाम है पार्स डिस्टैलिस डिस्टैलिस और है पास इंटरमीडिया इंटरमीडिया शबाज बेटा पारस इंटरमीडिया जो है वो ये छोटा सा पार्ट है जो मैंने मेंशन किया यहां पे इसका नाम है पारस इंटरमीडिया पास इंटरमीडिया इट ऑनली वन हार्मोन फ्रॉम मिलेनोसाइटस मिलेनोसाइटस से एक हार्मोन निकलता है दैट्स कॉल्ड द एमएसएच एच मिलेट हार्मोन ये याद रखना मिलेट हार्मोन हारमोन मिले जो है वहां से मेलानोसाइट को स्टूमलेट करके डालवाता है मेलानिन मिले क्या है डार्क पिगमेंट तो ये हमारी बॉडी में जो डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है वहां पे सेल्स को स्ट्यूमलेट करके कहता है इनसे मिलेक्रेट करने के लिए तो वो डार्क पिगमेंट होता है तभी जाके डार्क कलरेशन होती है तो क्लियर? अब पारस जो है, है में मैंने यहां पे पे किया हुआ के के कुछ यहां पे बहुत अकसाम सेल्स जाते हैं, मैं यहां करूँगा पांच किस्म के सेल्स ये डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन इनको स्टूमुलेट करता है हाँ, न्यूरोसिक्रेडरी सेल्स से यानी कि हम बोलेंगे हाइपोथल से तभी जाके इनकी स्टूमुलेशन की, की वजह से ये फर्दर खुद हार्मोनस बनाते हैं लाइक like, मैं लिखूंगा यहां पे पारस डिस्टैल से इट कंसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स लाइक मैं मेंशन करूंगा द फर्स्ट सेल हेयर दैट कॉल्ड सोमैटोट्रॉफ मेट्रोट्रॉप so, जो है इट स्टमिलेट इट गेट स्टूमिलेटेड फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलमस जो कि सिक्रीशन डायरेक्टली नहीं आती इनडायरेक्टली चली आती है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के जरिए और यहाँ पे सोमेटोट्राफ ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज करवाता है जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाता है सो इट हेल्पस इन हेल्पस इन elongation of bones एंड अदर स्ट्रक्चर एक एक पॉइंट में मैंशन करूँगा दूसरा सेल जो यहाँ पे है दैट कॉल्ड थाइरोट्रॉफ थाइरोट्रॉफ एक सेल है जो थारॉयड स्ट्यूमुलेटिंग हार्मोन से करता है थाइराइड स्ट्यूमुलेटिंग हार्मोन इन टर्न थायराइड ग्लैंड को स्टूबलेट करता है थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड बाद में थायरोक्सिन रिलीज करता है और थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज अ बॉडी क्लियर तीसरा पॉइंट तीसरी सेल जो है यहां पे, दैट्स कॉल्ड द गोनेडोट्रॉफ गोनेडोट्रॉफ स्टमेशन मिलने के बाद में हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एफ एस एच एंड एल एच एफ एस एच जो है वो मेल एंड फीमेल गेमीट बनाने में मदद करता है फीमेल गमीट्स और एल एच जो है ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन इट हेल्पस टू इट हेल्प्स इन ओविलेशन ये ओविलेशन में मदद करता है ओविलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दैचुरोग्राफिन फॉलिकल प्लस ये क्या करता है कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस करवाता है तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन दैट्स इज कॉल्ड प्रोजेस्टर और प्रोजेस्टर इंटरन प्रेगनेंसी को मैंटेन करता है उसके बाद चौथा चौथी सेल जो यहां पर है दैट कॉल्ड लैक्टोट्राफ लेक्टोट्रॉफ वो सेल होते हैं जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन पी आर एल के नाम से हम जानते हैं इसको और उसके बाद में ये क्या करता है ये इंटरन मेमोरी ग्लैंड्स को मेमोरी ग्लैंड्स गेट्स डेवलप्ड इस हार्मोन के जरिए उसके बाद पांचवा टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड कॉटिकोट्रॉफ कॉर्टिकोट्रॉफ कॉर्टिकोट्रॉफ वो सेल्स होते हैं जो ए सी टी एच प्रोड्यूस करते हैं ए सी टी एच ए सी टी एच का मतलब क्या है शबाश एड्रीनोकॉटिको ट्रॉफिक हारमोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ब्लड के जरिए चला जाता है एड्रिनल ग्लैंड को स्टूबलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड बाद में क्या करता है एड्रेनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड मिनरलो कॉटिकाइड मिनरलो कॉर्टिकॉइड प्लस ग्लूको कोटिकॉइड प्रोड्यूस करता है तब जाके वो फर्दर फंक्शंस करने में मदद करता है तो मैंने यहां पे पिजिटरी ग्लैंड के बारे में कुछ बातें बताया आपको मुझे लगता है इतना कुछ आपको समझ में आ जाएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल